गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था। आज हम बच्चों भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जो दी गई संख्याएं होती हैं उसका जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमेशा जो है दाहिने तरफ से बनाया जाता है। जैसे जोड़ा यहाँ से हो गया 25 का हो गया, ए 56 का हो गया, बचा एक, एक का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए हम एक को ही पहले काटेंगे। तब हम इसमें फर्क ये है जितना का पहाड़ा पढ़ना होता है उतनी बार पढ़ना पड़ता है। जैसे हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो बार पढ़ते हैं, तीन का पहाड़ा पढ़ते हैं तो तीन बार, चार का पढ़ेंगे तो चार बार, यानी कि जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए एक को काटने के लिए हम एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो हम एक एक काम एक यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर एक में से एक जाएगा, एक कट गया। अब जितनी बार ले गए उतना यहाँ पर प्लस करेंगे, एक को जोड़ेंगे भी, एक एक क्या हो गया दो हो गया। अब यहाँ पर दो हो गया, अब ये अगली संख्या जो जोड़ा वाली संख्या जोड़ा ही उतरता है इसमें, 56 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 56 को उतार लेंगे, अब हम जो है कि इसको काटेंगे कितनी बार ले जाएंगे दो बार, अगर तीन बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, दो बार ले जाएंगे तो यहाँ पर भी दो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी दो लिखना पड़ेगा। इसमें दो का करेंगे दो दुनी चार, दो दुनी चार, ये अब घटा लेंगे, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ दो बार ले गए हैं इसलिए दो जोड़ेंगे भी, यहाँ पर दो दो 4 हो गया और ये 2 हो गया। ये घटाने के बाद इस संख्या से, ये संख्या हमेशा छोटी आनी चाहिए, अगर ये बड़ी आ रही है तो हम जो है कि वर्गमूल गलत निकाल रहे हैं। हमेशा इस संख्या से ये संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 25 को, अब कितनी बार ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे, 5 यहां पर भी लिखेंगे, 5 इसके बगल में भी लिखना पड़ेगा, 5 बचे 25 के 5 हाफिल 2 हो गया, 5 को 20 2 22 के 2 हाफिल 2 हो गया, 5 दूनी 10 10 2 12। देखो ये संख्याएं पूरी क्या हो जाए गई, कट गई। अब हमारा आंसर हो गया 125।